एम्पायर से विनती है और दोनों टीमों से विनती है कि अपने एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स में भेजे। बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। बहुत ही सुंदर गेंद निर्मल की, इतना ही सुंदर सम्मान देते हुए। लेग साइड की ओर घुमा दिया है, एक रन के साथ संतुष्ट होना पड़ेगा। बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर, बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल। व्हाइट बॉल, इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर, 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। इसी बीच ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति में स्कोर हुआ है 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। इंडियन 11 के तरफ से दूसरा ओवर लेके आ रहे कार्तिक जब्बाणी।
बहुत ही सुंदर तालमेल के साथ कैच पकड़ते हुए यहाँ पे यूनिट 11 के प्लेयर्स। अगले बल्लेबाज दीपेश, बहुत ही सुंदर गेंद कार्तिक की ऑफ स्टंप की लाइन पकड़ के डालते हुए। इस ओवर की दो गेंद शेष, अगले बल्लेबाज आयुष। बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, इस साथ बढ़ता हुआ स्कोर 9 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बहुत ही सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट, इसके साथ ओवर की समाप्ति। एक ओवर दो ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यूनिट 11 के तरफ से चौथा ओवर लेके आते हुए दीप सुरानी। बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल,
बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, वाइट बॉल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। तेरा रन। लेग साइड की ओर घुमा दिया आयुष ने, इसके साथ बहुत बढ़िया फील्डिंग कार्तिक की, उतना ही अच्छा थ्रो। बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा, व्हाइट बॉल, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 16 रन 3 विकेट के नुकसान पर। इंडियन इलेवन को एक्स्ट्रा थोड़े कम देने होंगे। बहुत ही बढ़िया थ्रो, इसके साथ अंपायर का डिसीजन नॉट आउट। लेग साइड की ओर घुमा दिया है फील्डर ने, थ्रो किया, दो रन ले लिए है। बहुत ही बढ़िया रन इन बिटवीन द विकेट्स। एक रन के साथ ओवर की समाप्ति, बढ़ता हुआ स्कोर 20 रन। तीन ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा है 20 रन 3 विकेट के नुकसान पर। लेग साइड की ओर घुमा दिया है और यहां पे यश ने बहुत बढ़िया कैच, बहुत ही बढ़िया कैच पकड़ते हुए यश। अगले बल्लेबाज बुल्फ वॉरियर की तरफ से जाते हुए, ओम ओम चोपड़ा स्ट्राइक पर,
बहुत ही बढ़िया बॉल जीत डालते हुए। लेग साइड की ओर घुमा दिया है, यस जब तक फील्ड करते तब तक एक रन ले लिया। दो गेंद शेष इस ओवर की, बहुत बढ़िया प्लेस कर दिया है। अगर वो थ्रो बॉलिंग साइड होता तो होम पवेलियन में होते अभी। चार ओवर की समाप्ति में स्कोर पहुंचा है 23 रन्स विद द लॉस ऑफ 4 विकेट्स। बाहर जाती हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 24 रन्स। लेग साइड की ओर घुमा दिया है, चिंटू जब तक फील्ड करते तब तक एक रन ले लिया। बहुत ही सुंदर गेंद निर्मल की,
इस ओवर की अंतिम गेंद। इसी बीच ओवर की समाप्ति, पांच ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 28 रन, तीन चार विकेट के नुकसान पर। ट्वेंटी एट रन पांच ओवर के पांच ओवर। यश की सुंदर गेंद, बैट्समैन सिंगल के लेग साइड की ओर खेल दिया है, वहां डीप में फील्डर मौजूद जीत के नाम से, काफी अच्छी फील्ड, एक रन से नहीं रोक पाए। अगली गेंद, फिर से खेल दिया है कवर्स की दिशा में, वहां फील्डर मौजूद, एक रन आसानी से, बढ़ता हुआ स्कोर 30 रन्स। इस ओवर की अंतिम दो गेंद शेष, अगली गेंद काफी सुंदर फील्डिंग लेग साइड की दिशा में, उतना ही अच्छा थ्रो, दो रन लेते हुए यहां पार्थ। इस ओवर की अंतिम गेंद, सामना करेंगे पार्थ। हल्की सी दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। लेग साइड की ओर प्लेस कर दिया है, वहां जब तक फील्डर फील्ड करते, और अच्छा रन आउट का प्रयास, पर स्टंप को बॉल लगा नहीं, एक रन आसानी से। इसी के साथ ओवर की समाप्ति,
छह ओवर की समाप्ति पे स्कोर पहुंचा है 34 रन 4 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद वेद की, स्मार्ट सिटी एंड से सामना करेंगे पार्थ। अगली गेंद लेग साइड की ओर खेल दिया है, फील्डर से हल्की सी मिसफील्ड। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन आसानी से। बिल्ली हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। हल्की सी दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। उठा दिया है, देखते हैं क्या होता है। और शानदार कैच दीप द्वारा। पार्थ यहां पवेलियन की ओर जाते हुए, पार्थ की जगह लेने आए हैं धैर्य। देखते हैं क्या कर पाते हैं धैर्य। 45 नंबर की जर्सी रोहित शर्मा। इसी के साथ रुका हुआ स्कोर 38 रन्स। फिर से उठा दिया है, वहां नीचे फील्डर मौजूद और हल्की सी कैच छूटी जीत सामाणी द्वारा। अगली गेंद वेद की, लेग साइड की ओर खेल दिया है ओम ने। जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक एक रन चुरा लिया, बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन। इस ओवर की अंतिम गेंद, खेल दिया है यहां 30 यार्ड्स के ऊपर से। यहां जब तक फील्डर फील्ड करते दीप तब तक एक रन चुरा लिया। सात ओवर की समाप्ति पर 41 रन, चार विकेट के नुकसान पर। वुल्फ वॉरियर ने यहां अपनी इनिंग में 41 रन बनाए हैं और 42 रन का टारगेट दिया है यूनिटी 11 को।
एम्पायर से निवेदन है थोड़ा फील्ड सेट करने में मदद करें और जल्द से जल्द मैच शुरू करवाए। नामी एम्पायर ऐसे हमारे दर्शील ठाकराणी और धवल लिंबाणी। गेंदबाजी का भार संभालने हैं पार्थ हल्पाणी। गेंदबाजी करेंगे नागपुर स्मार्ट सिटी एंड की ओर से। सामना करेंगे धुएंधार कार्तिक। पहली गेंद दिशाहीन गेंद एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के साथ यूनिटी 11 का खाता खुलता हुआ एक रन। एम्पायर का इशारा वाइड बॉल बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। काफी सुंदर गेंद और उतना ही अच्छा शॉट और जब तक फील्डर फील्ड कर दे हल्की सी मिस फील्ड। इसी के साथ चार रन। अगली गेंद दिशाहीन गेंद एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। फिर से दिशाहीन गेंद लेग साइड की ओर बाहर जाती गेंद एम्पायर का इशारा वाइड बढ़ता हुआ स्कोर आठ रन। काफी सुंदर गेंद हल्की सी बाहर जाती गेंद एम्पायर का इशारा वाइड। काफी सुंदर शॉट कार्तिक द्वारा ऑफ साइड की ओर खेला था स्क्वायर कट चार रनों के लिए बढ़ता हुआ स्कोर 13 रन। फिर से लंबा शॉट खेलने का प्रयास कनेक्ट नहीं हुआ बराबर एक रन से संतुष्ट बढ़ता हुआ स्कोर 14 रन।
अगली गेंद काफी सुंदर गेंद, उतना ही अच्छा शॉट। जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन चुरा लिया। फिर से उठा दिया लेग साइड की ओर, बहुत ही कड़क शॉट। देखते हैं क्या होता है, एम्पायर के इशारे का इंतजार। बॉल सीमा रेखा के बाहर, एम्पायर का इशारा, 6 रन। इस 6 के साथ बढ़ता हुआ स्कोर। इक्कीस रन इस ओवर की अंतिम गेंद शेष। फिर से दिशाहीन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। पुल शॉट मार दिया है, यहां एम्पायर का इशारा, 4 रन। बढ़ता हुआ स्कोर 26 रन। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति में स्कोर बचा है 26 रन विद द लॉस ऑफ 0 विकेट्स। यूनिटी 11 को 16 रन की जरूरत अगर ये गेम जीतना है तो। एक ओवर 26 रन, अगली गेंद उठा दिया है कमेंट्री बॉक्स की दिशा में, नीचे फील्डर मौजूद, फील्डर फील्ड करते तब तक 4 रन। काफी धुएंदार बैट्समैन है दोनों ही बैट्समैन, ऐसे जीत सामानी और कार्तिक जबवाणी। अगली गेंद हर्षिल की, सामना करेंगे जीत, धुआंधार जीत, जीत के लिए 12 रन। उठा दिया है डीप विकेट की दिशा में, देखते हैं क्या होता है, और ये वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4 रनों के लिए। यूनिटी 11 को जीत के लिए केवल 8 रनों की आवश्यकता। अगली गेंद फिर से उठा दिया है यहां लेग साइड की ओर, जब तक फील्डर फील्ड करते तब तक 2 रन चुरा लिया। बढ़ता हुआ स्कोर 36 रन, 6 रन की आवश्यकता यूनिट 11 को अगर ये मैच जीतना है तो। ये 6 मारने का प्रयास, यहां नीचे छोटू मौजूद आदि नाम से।
अगली गेंद पांच रन की आवश्यकता यूनिट 11 को। अगली गेंद हर्षिल की, सामना करेंगे कार्तिक। काफी सुंदर फील्ड, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, उठा दिया है लेग साइड की ओर, नीचे फील्डर मौजूद और काफी सुंदर कैच, रनिंग कैच, ऐसा कैच करना का आसान नहीं होता। इसी के साथ कार्तिक को पहला कार्तिक के रूप में यूनिट 11 को पहला झटका लगता हुआ, कार्तिक की जगह लेने आए हैं ऐसे हमारे धुएंधार निर्मल नाथाणी। गेंदबाजी का भार संभालने आए हैं धैर्य, सामना करेंगे जीत सामाणी। पांच रनों की आवश्यकता यूनिट 11 को अगर ये गेम जीतना है तो। अगली गेंद काफी सुंदर फील्डिंग यहां आदि द्वारा, जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन चुरा लिया। चार रनों की आवश्यकता यूनिट 11 को, कप्तान निर्मल स्ट्राइक पे, बाहर जाती गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल, देखते हैं कप्तान निर्मल क्या कर पाते हैं। काफी सुंदर गेंद, लाली रप्पा गेंद, पूरी तरह बीट हुए कप्तान निर्मल। फिर से उठाने का प्रयास, पूरी तरह बीट हुए, काफी अच्छा कमबैक धैर्य द्वारा। केवल तीन रनों की आवश्यकता यूनिट 11 को अगर ये मैच जीतना हो तो। उठा दिया है यहां, देखते हैं क्या होता है कीपर बॉल के पीछे, जब तक फील्ड करते तब तक एक रन चुरा लिया। बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन, दो रन की आवश्यकता, देखते हैं जीत क्या कर पाते हैं। यहाँ एक रन चुरा लिया 22 के रूप में, अबे वापस
और ये मैच एकज यहाँ एक ही रन मिलता हुआ। दिशा इन गेंद, एम्पायर का इशारा वाइड बॉल। इसी के साथ यूनिट 11 ने ये मैच जीत लिया है। यूनिट 11 ने ये मैच 9 विकेट से जीत लिया है। हम यूनिट 11 को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ पीपीएल सीजन 7 डे 1 की समाप्ति। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट।